ब्यावर से खरवा के बीच रोडवेज की बस से सफर कर रही एक शिक्षिका के पर्स से 5,000 रुपए पार हो गए। ब्यावर बस स्टैंड पहुंची शिक्षिका को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने सिटी थाने पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार छावनी निवासी डिम्पल वैष्णव खरवा स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियमित रूप से ब्यावर से खरवा के लिए अप डाउन करती है। मंगलवार को शिक्षिका डिम्पल खरवा से ब्यावर आ रही थी। डिम्पल ने बताया कि उसके पर्स में 5,000 रुपए थे। बस में सफर के दौरान भीड़ ज्यादा थी। इस दौरान उसके आसपास 2-3 पुरुष खड़े थे। ब्यावर बस स्टैंड पहुंचना था। बस से उतरने के बाद जब उसने अपना पर्स टटोला तो पर्स में रखे 5,000 रुपए गायब थे। मैं एरावत इंटरनेशनल स्कूल खरवा में पढ़ाने जाती हूँ। वापस आते वक्त मेरे पर्स में से 3-4 जेंट्स मेरे आसपास खड़े थे। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मेरे पर्स में से 5,000 रुपये किसी ने निकाल लिया, पर्स निकाल लिया। मैंने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दे दी है।